इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है उर्दू नामा के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं तरक्की पसंद तनकीद में एक बहुत बड़ा नाम बहुत अच्छे शायर बेहतरीन सवा, ख़ुदनविश सवान नगार बहुत अच्छे उस्ताद और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान प्रफ़र शार दौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं यह हमारी खुशनसीबी है कि शारीफ़ साहब ने उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू नामा के लिए अपना वक्त दिया है हम बेहद शुक्रगुजार हैं इससे पहले कि शारीफ साहब अपनी जो खुद नवि नई इब्तदा की खबर है नई इंतहा मालूम उसके कुछ हिस्से हमारे सामीन और नाजरन के सामने पेश करें मुझे मुनासिब मालूम होता है कि शारीफ साहब की मुख्तसर उनके हालात ज़िंदगी बयान करूँ अफसर शारफ रुदौलवी साहब का ताल्लुक रुदौली से है जो लखनऊ से बेहद करीब है और आपकी पैदाइश यकम सितंबर 1935 को रुदौली में हुई आपकी इब्तदाई तलीम भी रुदौली में ही हुई आपके वालद मोहतरम का नाम हकीम हसन अब्बास और वालदा महतरमा का इसम ग्रामी अमीरिससा था कानपुर से हाई स्कूल किया उसके बाद से कानपुर से ही आपने इंटरमीडिएट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने बी ऑनर्स किया उन्नीस में आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उर्दू में एम किया और उन्नीस में आपने पी की उन्नीस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज दयाल सिंह में दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर की मुलाजमत हासिल हुई कुछ दिनों तक आपने एन में प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी बाद हजा फिर दयाल सिंह कॉलेज वापस आ गए और उन्नीस में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के केहदे पर मामूर किया गया एक तवील अरसे तक आपने तदरीसी खदम दी हैं और आपके शागिर्दों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है जो मुल्क और बैरू मुल्क में फैली हुई है आपकी जो इलमी और अदबी फतूहत हैं उनकी फहरिस्त भी ख़ासी तवील है जिनमें चंद किताबों का नाम मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ आपकी हाल ही में खुद खुदनविश शाये हुई है न इब्तदा की खबर है न इतहा मालूम इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं उनमें सबसे अहम किताब जदीद उर्दू तनकीद असूल नज़रियात जो उर्दू की चंद अहम किताबों में से है जो उर्दू तनकीद को समझने और उसकी तफहीम में मुआान है और इसके ला कई एडिशन्स इसके शाया हो चुके हैं और तलबा में बेहद मकबूल है ये किताब इसके अलावा आपकी जो दीगर किताबें हैं तरक् पसंद शेरी फ़िक्र और उर्दू शरा तनकीदी अमल असरारजाज तनकीदी मुबाद मासी उर्दू तनकीद आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू तनकीद इंतब गजलियात सौदा उर्दू मरसिया तनकीदी मताले मुताल वली जिगर फन और शख्सियत अफकार सौदा मरासी अनीस में ड्रामाई अनासर ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो आपने तहरीर की हैं इनके प्रोफेसर शाहबूलवी साहब की और अदबी खिदमात के अतराफ़ में बहुत सारे इदारों ने उन्हें इनामत वदमत तो में पेश किए हैं जिनमें खास तौर से दहली उर्दू अकेडमी का हिंद बहादुर शाह जफर अवार्ड, यश हुकूमत उत्तर प्रदेश का यश भारती अवार्ड, मगरबी बंगाल उत्तर प्रदेश आ, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का नेशनल अवार्ड, गालिब एवान गालिब का गालिब अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूपी उर्दू एकेडमी का इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है आपके इनाम एजाजात की जिनसे आपको नवाज़ा गया है और आपकी इलमी खिदमात का एतराफ़ किया गया है प्रोफेसर शारीफुल्दौलवी हमारे उन उनजा में से हैं जिन्होंने कई नस्लों की इल्मी, फिक्री आबियारी की और जहनी तरबियत की है उनकी शख्सियत का इज्जत इंकसार मोहब्बत खलूस हमदर्दी रवादारी बड़ों का एहतराम छोटों से शफफत आला जरफी वगैरह ऐसे औसाफ हैं जिनकी वजह से उनको हर जगह कदर की निगाह से देखा जाता है मुझे फख्र है कि मुझे शारीफ उदौलवी साहब का शागिर्द होने का मौका नसीब हुआ हाल ही में शारीफ़ साहब की खुदनविश न नब्तः की खबर है न इंतहा मालूम के नाम से मंजर आम पर आई है उस्ताद मोहतरम की शख्सियत की शराफत सादगी मुनकसर मिजाजी सुलहकुल म्याा रवी और इंसानियत नवाजी इस खुद के एक एक लफ्ज से मुतरश है खुद दरअसल इजहार जात का फ़न है आम तौर पर खुद नगार इजहार जदात के ज़िम में तोन और म्याा रवि बरकरार नहीं रख पाते और अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं बाद खुद से ज्यादा मुबालगा आरई से भी काम लेते हैं और नतीजा ये होता है कि खुद नजहार जदात का वसीला ना होकर उनकी ताली और बड़बोलेपन का नमूना बन जाती है लेकिन शार्फ़ साहब के, के तमाम नकायस के पास है इसमें एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ये जाहिर हो मुनफ ने अपनी शख्सियत को बदतर और आला साबित करने की कोशिश की इश्ताल शराफत ईमानदारी रातबाजी नश्र नफरी मियाना रवि और फलूसियत का खासा है वही खूसियात इस खुद में भी नजर आती है इस खुद में शारीफ़ साहब एक मुखलिस उस्ताद एक मतवाजुन और साहब नजर नक़ाद एक मतबर महकिफ एक बेरिया दोस्त एक मोहब्बत करने वाले शौहर एक बेहतर मुंतजिम और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान के तौर पर हमारे सामने आते हैं जो लोग तौर पर शारीफ साहब से वाकिफ़ हैं वो इस बात की शहादत देंगे कि इस खुदनविश में जो कुछ बयान किया गया है इसमें हर्फ बहर

न इब्तः की खबर है न इंतहा चार सौ चौरानवे सफ़ात में मुश्तमिल इस खुद नारिक साहब ने ना न सिर्फ अपनी छियासी जिंदगी के फराज का बखूबी अहाता है बल्कि गुजतः सत्तर पचहत्तर बरसों के हिंदुस्तान की तारीख भी बयान कर दी इस खुद में उन्होंने अपने आबा आबादाद के बारे में भी तफसलत बयान की हैं और अपनी जिंदगी के अहम वाक़ात भी पेश किए हैं ये खुद सिर्फ रुदालवी साहब की आप बीती नहीं बल्कि अवध की तहजीब का मरक्का और हिंदुस्तान की के मुश्तर कल्चर के जवाल की दास्तान भी है हमें खुशी है कि आज प्रोफेसर शारदौलवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी गुजारिश पर उन्होंने इस नवि के चंद मंतखब हिस्से हमारे कारयन हमारे नाजरन के सामने पेश करने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं हम बेहद आपके शुक्रगुजार हैं सर कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उर्दू नाम में आप मौजूद हैं शुक्रिया डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब मैं उर्दू नामा और मानो यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी ख़ुद न खुद पढ़कर सुनाऊं। सुनाऊँ अक्टूबर 1965 को बिलाखिर तमाम अख्तलाफात के बावजूद मेरी और शमीम की शादी हो गई अख्तलाफात में सबसे बड़ा अख्तिलाफ मैं अर्ज़ कर दूँ तफसील उसमें नहीं जाऊँगा ये था कि मेरा ख़ानदान जाफ़रिया से मुतालिक था और शमीम का ख़ानदान फ़िया से मुतालिक था इसलिए दोनों में ये फैसला होना कि ये रिश्ता मंजूर हो या न हो बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा था लेकिन बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि 18 अक्टूबर 1965 को ये शादी आ, हो गई आ, इस दरमियान एक और वाकया हुआ किसी साहब ने मेरी शादी के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखकर मेरे तमाम अजीज़ों और हिंदुस्तान के पूरे अदबी हल्के के बड़े बड़े लोगों को भेज दिया मेरे ख्याल में कुछ लोगों के पास वो खतब भी होगा खत मेरे भाई की तरफ से लिखा गया था जबकि उन्होंने कभी कोई एतराज नहीं किया था उस पर मेरे बुजुर्गों और अदीबों का रद्द अमल बहुत ही हिम्मत अफजा रहा किसी ने उस खत को कोई अहमियत नहीं दी अट्ठारह अक्टूबर को सुबह एक मुख्तसर बारात रुदौली से रवाना हुई सुबह मेरे घर पर जो रस्में नौशा के लिए होती थीं वो सब अंजाम दी गई बल्कि नौशा में थोड़ी ताखीर इसलिए हुई कि हमारे हमसाए लाला केशवर राम की बीवी जिनको हम लोग बहन जी कहते थे वो नहीं आई थी और रस्म के मुताबिक नौशा के अमल में उन्हें सर पर फैले हुए दुपट्टे का एक कोना पकड़कर खड़ा होना था आरिफ महमूद ने कुछ तस्वीरें लीं और ये छोटा सा काफिला जिसमें मेरे वालिद, मेरे दोस्त आरिफ महमूद दरगाह शाह मखदूम अब्दुल के खानवादे से शाह आरिफ अहमद अहमदी चौधरी जावेद महबूब सिद्दीकी और तकी शब्बर थे लखनऊ के लिए रवाना हुए वहाँ स्टेशन पर किसी मेज़बान के आने की उम्मीद नहीं थी इसलिए हम लोग घर के लिए रवाना हो गए घर पर शमीम के वालिद ने हम लोगों का इस्तेवाल किया और यहाँ भी महसूस हुआ कि सन्नाटा है लेकिन जो लोग भी थे खाते तवाज़े में लगे थे असर और मक़र के दरमियान एक बुजुर्ग आए उन्होंने पहले निकाहनामे की खाना पूरी की उनकी तरफ से शमीम के एक भाई मोहम्मद नईम सिद्दीकी जो पुलिस अफिसर थे शादी में शरीक थे औरतों और उनके रिश्ते की बहनों की तादाद कसीर थी इसलिए महसूस हुआ कि औरतें ज़्यादा तादाद में शरीक हैं बहरहाल निका मुस्क, मुझे देखा पहले को रुख्सत के बाद हम लोग जब घर पहुंचे तो मेरी तमाम बहनें जमा थीं उन्होंने शमीम को हाथों हाथ लिया शमीम के साथ उनके भाई मोहम्मद नईम सिद्दीकी की बीवी आई थी यहाँ पहले वजू करके दुल्हन के आंचल पर मुझे नमाज पढ़वाई गई उसके बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर कहा कि यहाँ सकद पढ़ना जरूरी है शमीम से कह दूं कि मेरे वालिद उनके वकील की हैसियत से उनसे ईजा कबूल के लिए दरियाफ्त करने आएंगे वाक़ यह था कि लखनऊ में जो निका पढ़ा गया था वो अहल तो के तरीके से पढ़ा गया था अब्बा चाहते थे कि शियों की तरह से भी निकाह हो इसलिए मैंने शमीम से दरियाफ्त किया उन्होंने बड़ी फरार दिल्ली से कहा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है अच्छा है और मज़बूत हो जाएगा अब्बा शमीम से दरियाफ्त करने के बाद मुझे बाहर ले गए जहाँ मेरे साथी मौजूद थे उनमें तकीश अब्बर ने सिर्फ एक तनहश किया थे बाकी मौलवी भी थे अब और तेकी शब्बर ने मिलकर मेरा दोबारा निकाह पढ़ा इस तरह मेरा निकाह पर दोनों तरफ की मोहरें सब्त हो गई शादी के बाद चंद दिन हम लोग लोगों ने रस्मों में निभाए लखनऊ और रुदौली में गुजरे उसके बाद भागकर अपनी ड्यूटी पर पहुँचे यहाँ सारे ही लोग बहुत बेचैनी से मुंतजर थे शमीम का डिपार्टमेंट मेरा कॉलेज हर तरफ से दावत का सोचना क्या, क्या किया जाए शमीम ने एक दिलचस्प सूरत निकाली उन्होंने कहा इसी कमरे में दावत करते हैं पांच सात लोग आसानी से यहाँ बैठकर कर खाना खा सकते हैं लोगों के अः लोगों को हम अपनी मजबूरी बताकर किस्तों में थोड़े थोड़े लोगों की दावत करते। ये क्या ये, ये क्या बात हुई लोग क्या कहेंगे कि ये दावत वलीमा है मैंने कहा उनका जवाब था हमने शादी करने में बहुत सी रवायतें तोड़ी हैं, एक रवायत ये भी तोड़ते हैं हम्म, लेकिन खाने का क्या होगा मैं पका लूंगा उसमें कोई बात नहीं मैं हंसने लगा ये भी एक तमाशा है दो दिन हम लोगों के लिए उसकी तैयारी में लगे उसके बाद शोब दिल्ली यूनिवर्सिटी से दावत का ये सिलसिला शुरू हुआ शमीम खाना पकाने में गजब की माहिर निकली उन्होंने दावत की हर डिश तैयार की यहाँ तक कि शिरमाल तैयार कर ली जो लोग आए वो भी बहुत लुफानदोज़ हुए इसलिए कि बीच में कोई तकल्लुफ़ आयल नहीं था एक दिन सदर शोबा ख्वाजा अहमद फारूकी साहब और उनके घर के लोगों को आना था ख्वाजा साहब को मकान नहीं मालूम था इसलिए रहनुमाई के लिए प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी और प्रोफेसर सदीक कदवाई को साथ लेकर आए हम लोगों ने इस बात को महसूस भी नहीं किया लेकिन फरीदी साहब की रग जराफत फटक गई फौन एक शेर उन्होंने नजम कर दिया आफरी पर कदवाई एक दावत थी दो दफा खाई सब ने बहुत लुत्फ लिया और बहुत दिनों तक ये शेर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहा फिर आ गए वहीं पे चले थे जहां से हम रिटायरमेंट के बाद दिल्ली छोड़ने के बारे में हम लोगों ने फैसला लिया और आ, दिल्ली से जब रवाना हुए लखनऊ जब हमारी ट्रेन सुबह पहुंची तो सूरज तुलू हो रहा था हम लोगों की ज़िंदगी के लिए नई सुबह थी अब पैंसठ साल की उम्र में बिल्कुल नए सिरे से हमें ज़िंदगी शुरू करनी थी हम लोगों का एक ताल्लुक़ तो लखनऊ से हमेशा ही रहा लेकिन आज नौीय दूसरी थी आज सामने एक लखुदक मैदान था जिसमें कोई ऐसा सायादार दरख्त दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा था जिसके नीचे सुकून मिल सके मेरे सामने बेहिसाब सवाल थे उन्हीं ख्यालों में बाहर आकर सवारी की घर आए खां साहब मोहम्मद शरीफ जो मकान की देखभाल करने वाले मुलाजिम थे सामान उतरवाया हम लोगों ने चाय हम लोगों को चाय बना कर दी और सफ़र तमाम हुआ शरीफ खां की ज़ात भी बड़ी गनीमत है हर तरह का काम वो बिला तकल्लुफ़ कर लेते हैं बहुत अच्छे बावरची हम लोगों ने उन्हें दिल्ली से बावर्ची की शक्ल में यहाँ भेजा था लेकिन घर में शवा फातमा पब्लिक खुल गए स्कूल खुल गया तो वो स्कूल के केयरटेकर बन गए शादी के बाद पहले समर वेकेशंस में हम लोगों ने ये तय किया कि हम गर्मियों की तातील कश्मीर में मनाएं। सरवरी साहब उस वक्त सदर शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी थे मैंने उन्हें मुतला कर दिया कि वो मेरे क़्याम का इंतज़ाम किसी होटल में कर दें ताकि हम लोग वहाँ कुछ दिन रह सकें सरवरी साहब से मेरे ताल्लुक़ थे और बहुत मोहब्बत करते थे इसलिए मुझे थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी थी और मैं उन्हें खत लिख के मैंने आगा किया और उन्होंने मेरा एक इंतज़ाम वहाँ एक होटल में कर दिया शादी के बाद हम लोग कश्मीर आ, पहुंच, पहुंच गए और वहाँ जिस होटल में लाल चौक पर उन्होंने इंतज़ाम किया था बहुत आ, अच्छा होटल था उस होटल में आ, हम रहे एक सरवरी साहब तकरीबन रोज़ाना शाम को होटल आ जाते थे और हम लोगों के साथ बैठते थे बातें करते थे अदबी इल्मी जो काम वो कर रहे थे उस सिलसिले में वो बातें करते थे एक सबसे बड़ी बात ये कि सरवरी साहब ने तो अच्छे बहुत अच्छे थे। साहब ने कश्मीर के सिलसिले में वहां रहकर बहुत काम किया कश्मीरियों के बारे में उनकी शायरी और उनके अदब के बारे में और उनकी किताबों के बारे में और वहाँ के लोगों को और नौजवानों को उस काम पर रुजू किया एक दिन सरवरी साहब ने खुशखबरी सुनाई और उन्होंने कहा कि एहताम साहब को श्रीनगर बुलाया है और चंद दिन बाद वो श्रीनगर पहुंचने पहुंच रहे हैं हम लोगों की खुशी की इंतहा नहीं थी तीन चार दिन बाद एहतम साहब आ गए एक दिन उनकी यूनिवर्सिटी में मसूफियत रही उसके बाद घूमने का प्रोग्राम बनने लगा एक दिन एहतान साहब को लेकर हम लोग खिलन मर्ग के लिए रवाना हुए ये गुलमर्ग से ऊपर एक बलन चोटी है जहाँ गर्मियों में भी बर्फ रहती और जहाँ घोड़े से या पैदल ही जाया जा सकता है हम लोगों का छः आदमियों का काफिला एक सुबह रवाना हुआ जिसमें मेज़बान और मुंतजिम डॉक्टर हामदी कश्मीरी और उनका बेटा इसके अलावा प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी साहब एहत्याम साहब शमीम और मैं हम लोग पहले गुलमर्ग में डाक बंगले में थोड़ी देर रुके वहाँ चाय पी उसके बाद घोड़ों से खिलन मरग के लिए रवाना हो गए मैं और हामदी कश्मीरी पैदल चल रहे थे बाकी लोग घोड़ों पर थे खिलन मरग की चढ़ाई बहुत मुश्किल और सख्त रास्ता भी बहुत तंग है खिलन मरग की चोटी अब थोड़े फासले पर थी और चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था कि हामदी कश्मीरी एक चौड़ी जगह पर लेट गए और अब चढ़ने के वो अब चढ़ने के काबिल नहीं एक तरफ जिधर से रास्ता ज़्यादा मुश्किल लेकिन करीब का था मैं खिलन पर आ गया लेकिन ऐसा थक गया कि बर्फ़ तरफ जाने की हिम्मत नहीं थी हम लोगों ने एक घंटा वहाँ गुजारा बहुत अच्छा लगा थकन बहुत जल्दी उतर गई थोड़ी देर बाद हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ हामदी कश्मीरी साहब लेट गए थे तो वहाँ हामदी साहब चादर बिछाकर खाने का इंतज़ाम कर चुके थे हम लोगों ने उस दिन खालिश कश्मीरी खाने खाए गोश्ताबा सबको पसंद आया रिश्ता अपने यहाँ के कोफ्ते की तरह का था लेकिन सीख कबाब बहुत लजीज थे हामदी साहब ने जंगल में ऐसा जबरदस्त इंतजाम किया कि सब ने उनके इंतजाम और खाने की जी खोल कर तारीफ की खाने के बाद हम लोग दोबारा रवाना हुए अब सफर ढाल की तरफ था वो भी इस तरह बहुत मुश्किल हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए थे अपनी सवारियों तक पहुंचने के लिए थोड़ा रास्ता बाकी रह गया था कि एहताम साहब के घोड़े ने ठोकर ली और एहतम साहब गिर पड़े लेकिन शुक्र है कि उन्हें बहुत चोट नहीं आई बहरहाल हम लोग अपनी सवारियों तक पहुंच गए और शाम तक श्रीनगर वापस आ गए हम लोग अपने यहाँ जाने के बजाय सरवरी साहब के घर गए जहाँ एहतम साहब का क्याम था कुछ देर मैंने और शमीम ने एहताम साहब के सर और पैरों की मालिश की ताकि सफ़र की तकान और गिरने की तकलीफ़ का असर कम हो जाए सरवरी साहब ने एहताम साहब से कहा कि काश हमारे भी शागिर्द ऐसे ही होते एहतमाम साहब को कोई ऐसी चोट नहीं लगी थी इसलिए दूसरे दिन हम लोग ग्लेशियर देखने के लिए रवाना हो गए इस बार सफ़र में घोड़े की सवारी की जरूरत नहीं थी हम लोग बराह रास्त गाड़ियों से अपनी मंजिल तक पहुंच गए कारगिल से पहले ये जगह थी जिसका नाम इस वक्त याद नहीं रहा जो बर्फ़ानी चोटियों के लिए मशहूर है हम लोग यहाँ पर बैठे वहाँ बैठे थे वहाँ से बर्फ़ के दो पहाड़ सामने नजर आ रहे थे जिन पर पचासों बड़े बूढ़े और बच्चे से चलने का लुत्फ ले रहे थे मेरे पास कश्मीरी टोपियां थीं। सरवरी साहब और साहब को वो टोपियाँ पहनने के लिए दी और उनकी तस्वीरें खींची शमीम ने किराये पर कश्मीरी लिबास और जेवरात लेकर अपनी तस्वीर खींचवाई इन तमाम तफसी शादी का जिक्र मैं करना चाहूँगा ये एक बहुत अहम वाक़ है जिसका ताल्लुक़ हमारी तालब इिली से भी है और हमारी ज़िंदगी से भी है और आज के हालात में शायद आपको बहुत अजीब महसूस हो कि ऐसा भी हो सकता है एक शादी का अहमाम आज बदले हुए हालात में ऐसी शादी का तस्वूर भी नहीं किया जा सकता जब मुसलमान सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदना मना हो जब गुजरात में कोरोना वायरस के हिंदू मरीज़ अलग रखे जाएं और मुसलमान मरीज़ अलग जब राजस्थान में एक दर्द जह से तड़पती हुई औरत को अस्पताल में इसलिए दाखिल न किया जाए कि वो मुसलमान है और उसका बच्चा मर जाए मैं बात वहाँ से शुरू करूँ जब मैं एम ए में पढ़ता था मेरे दोस्त डॉक्टर नज़र अब्बास रिजवी अंग्रेजी में एम ए कर रहे थे हम लोगों के साथ एक लड़की कांता दीक्षित पढ़ती थी सादे नाक नक्शे की दुबली पतली लड़... लंबी लड़की उससे नज़र अब्बास के साथ बराबर मुलाकात होती थी हम लोग कभी साइंस फैकल्टी के खूबसूरत लान पर गुलाबों के पास बैठकर बातें करते और कभी मिल्क बार में नज़र अब्बास का उस जमाने में सिलसिला कहीं चल रहा था और हम ही दोनों उसके राजदार थे उन्नीस में यूनिवर्सिटी ने पंजाब और कश्मीर के लिए स्टूडेंट एजुकेशनल टूर का प्रोग्राम बनाया उसमें मैं यूनियन में शुब उर्दू के नुमाइंदे की हैस्य से शामिल था वीसी मिश्रा यूनियन के सदर थे नजर अब्बास कांता कांता की एक दोस्त अब नाम याद नहीं एक तीस पैंतीस तलबा का ग्रुप और एक जियालॉजी के प्रोफेसर के पी विमल गाइड निगरा की हैसियत से तैयार हो गए हम पंजाब के गुरुद्वारों और भाखड़ा नंगल डैम घूमते गाने गाते कश्मीर पहुँचे वहाँ टूरिस्ट बस हा। 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 हाउस में एक बड़ी डॉर्मेट्री हम लोगों ने किराए पर ले ली कांता और दूसरी लड़कियों के जिम्मे खाने का इंतजाम था खाना बनाने वाले महाराज और दो मुलाजिम हम लोगों के साथ गए थे वहां महसूस हुआ कि कांता किस है। हर बात में लोगों का ख्याल रखना हम लोग कहीं जाने लगे तो नजर अब्बास को और मुझे आयुर्वेद की एक छोटी सी गोली खिलाने के लिए देना खाने के लिए देना कि सर्दी का असर न हो कांता बहुत केयरिंग थी लेकिन इतनी ही डोमिनेटिंग लड़की थी जरा सी बात में खफा हो जाती तो मनाना मुश्किल होता श्रीनगर में एक बार मिश्रा से किसी बात पर खफा हो गई तो घूमने जाने से इनकार कर दिया बड़ी मुश्किल से नजर अब्बास ने उनको मनाया यही मामला कुछ उनके उनका अपने घर और अजीजों से था वहाँ कोई मनाने वाला तो था नहीं इसलिए जिससे खफा हो गयी तो खफा हो गयी कुछ ऐसे बाद नजरबख्श दिल्ली में अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए और मैं दयाल सिंह कॉलेज में उर्दू लेक्चरर हो गया इतनी बड़ी दिल्ली में मुझे मकान मॉडल टाउन में मिला जहां मैं बाद जहां बाद में मालूम हुआ कि नजरबख्श मेरे मकान से सिर्फ तीन मकान के फासले पर दूसरी लाइन में रहते हैं हम बहुत तन्हा महसूस कर रहे थे वो एहसास दूर हो गया अब अक्सर हम शाम को नजरबख्श जहाँ जिनको सब रिजवी साहब कहते थे वहाँ चला जाता था उन्नीस की बात है कांता अब तक कांता की अब तक शादी नहीं हुई थी वो नज़र के यहाँ आती और अपने घरेलू किस्से सुनाती रहती थी कि पिताजी के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों का सुरुक कितना ख़राब है कांता भी कहीं टीचर हो गई थी उसकी शादी सबसे बड़ी रुकावट उनके अजीज थे एक बार कांता आई तो नज़र अब्बास ने मुझे बुला भेजा कांता ने बताया कि एक लड़का अच्छा है ब्रह्मन है और कांता से शादी करना चाहता है कांता को भी वो रिश्ता पसंद है लेकिन शादी कैसे हो घर के लोग फिर रुकावट बनेंगे अब मुश्किल ये थी कि कांता एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी बाप आलिम थे सगे चचाजाद भाई उमा शंकर दीक्षित मरकजी वजीर में होम मिनिस्टर थे विनोद दीक्षित की बीवी शीला दीक्षित भी एक लीडर थी अब ऐसे मामले में क्या किया जाए ये मामला हम लोगों के सामने था और कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी कि कांता ने कहा आप लोग मॉडल टाउन में शादी का इंतजाम कर दें वो तो हो जाएगा शारीफ के बहुत जानने वाले हैं अग्रवाल धर्मशाला बारात के क्याम के लिए बुक करा देंगे और वहीं नीचे हाल में जयमाल और फेरों की रस्म हो जाएगी रिजवी ने कहा ये सब तो मैं कर लूंगा इसकी फिक्र की जरूरत नहीं लेकिन खानदान के किसी शख्स का शरीक होना शादी को एक जरूरी है शादी को एक सोशल सेंक्शन की भी जरूरत होती है मैंने कांता से कहा तुम्हारे भैया उमाशंकर दीक्षित से तुम्हारे ताल्लुक कैसे हैं उसने कहा ठीक है मैंने कहा तुम आ, आ, मैंने कहा तुम हम लोग हम लोग सब लोग मैंने कहा हम लोग सब कर लेंगे सारे अखराज भी उठा लेंगे लेकिन जब यह खबर फैलेगी तो उसमें उमाशंकर दीक्षित जी की बेइज्जती है इसलिए तुम जाकर बहुत पोलाइटली उनसे मिलो और आ, उनसे कहो कि इंतज़ाम सब हमारे दोस्त कर देंगे वो सिर्फ कन्यादान के लिए ज़रा देर को आ जाएं अब्बास को भी बात पसंद आई हालांकि उन्होंने अपनी शादी बगैर किसी घर वाले के कर ली थी इसलिए ये शादी भी इसी तरह कराने पर तैयार थे कांता जाकर उमा दीक्षित जी से मिली और किसी तरह उनको मना लिया कि वो कन्यादान के लिए तैयार हो गए लेकिन शीला दीक्षित नहीं तैयार हुई कांता ने आकर पूरी तफसली तफसी गुफ्तु की बताई मुझे बहुत खुशी हुई मैंने कहा कि अब ये बताओ कि क्या क्या इंतजाम करने हैं ने लिस्ट बनानी शुरू की मैंने अगरवाल धर्मशाले के प्रेसिडेंट के नाम दो दिन के लिए धर्मशाला और और कमरे बुक करने की दरखास्त लिखी मुझे इतफाक मॉडल टाउन में सारे लोग ही जानते थे इसलिए बहुत मुतमिन था कि मैं जाऊंगा और धर्म और काम हो जाएगा दूसरे दिन कांता आ, अपने इंतजाम करने के लिए वापस चली गई मैं 10 बजे दिन में धर्मशाला पहुंचा सब ने बड़ी आवगत की कि आप कैसे आ गए मैंने दरख्वास पेश कर दी अग्रवाल साहब ने दरख्वात देखी और हाथ जोड़कर कहने लगे अब्बास साहब वहाँ मुझे सब अब्बास साहब ही कहते थे मुझको बहुत अफसोस है कि ये नहीं हो सकेगा हमारे बाई में है कि धर्मशाला किसी गैर धर्म वालों को नहीं दिया जा सकता मैंने कहा अग्रवाल साहब जिसकी शादी है वो मेरी बहन है और हिंदू है लेकिन हम सब आपके न, आपके नाम आ, बुक नहीं कर सकते मैं बहुत परेशान हुआ कि ये तो बड़ा गज़ब हो जाएगा मॉडल टाउन में कोई और दूसरी जगह भी नहीं है एकदम मुझे ख्याल आया कि जयप्रकाश गोयल जी के यहाँ चलें जयप्र गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी थे बहुत बासर आदमी थे और मेरे मकान से चंद कदम के फासले पर ही रहते थे मुझसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मैं सीधा गोयल साहब के घर पहुंचा। ड्राइंग रूम में बैठे थे दो एक लोग वहाँ मौजूद थे मैंने थोड़ी देर उन लोगों के जाने का इंतज़ार किया जब वो चले गए तो मैंने कहा एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ और मैंने धर्मशाला बुक कराने की बात कही कि अग्रवाल साहब ने इनकार कर दिया मैंने बताया कि कांता हम लोगों की बहन की तरह है और उसकी शादी की बात है इंतजाम हम लोगों के सुपुर्द हैं मैंने बताया कि उमाशंकर दीक्षित जी की बहन है और वो कन्यादान के लिए खुश शादी में शरीक होंगे लेकिन ये बात सारे लोगों को बताना नहीं है वो खामोशी से आना चाहते हैं जयप्रकाश गोयल ने कहा अब्बास साहब आप उनके पास ग़लत गए पहले ही आपको मेरे पास आना चाहिए था मैं अभी दो दिन के लिए धर्मशाला अपने नाम बुक करा देता हूँ आप बिल्कुल फिक्र न करें मैंने नजर अब्बास को पूरा किस्सा बताया किस तरह मुश्किल में फंस गया था उन्होंने कहा कि आप ही सब कर सकते थे नज़र अब्बास की बीवी कनीज़ रिजवी तो दिन रात शादी की तैयारियों में लग गई थी उनका घर कांता का मायका हो गया शादी के दिन सुबह से हम लोग धर्मशाला धर्मशाले को सजवाने और बारात के इंतजार में रख गए एक ऐसे में में जिसके बारे में खुद नहीं मालूम था कि क्या कैसे करना है इस सिलसिले में बात बड़ी दुशवारिया जयप्रकाश गोयल की वजह से हल हो गई पंडित जी की फराहमी जो अच्छी तरह से रसूम को पूरा पूरा करके वो सारे इंतजाम जिनमें हम लोगों का दखल नहीं था ये मुसलमानों की शादी तो थी नहीं काजी जी ने लड़की से दरियाफ्त किया खुदबा पढ़ा निकाह पढ़ा और शादी हो गई यहाँ हजारों तरह की रस्में थी कहीं आग चाहिए कहीं पानी कहीं घी कहीं कुछ और बहरहाल सब कुछ बहुत रवायती अंदाज में हुआ कि कांता को ये लगे कि उसकी शादी कसम फुर्सी में नहीं हुई बारात का इस्तेमाल हुआ जयमाल की रस्म हुई उस वक्त शंकर दीक्षित जी आ गए थे हम लोगों ने उनका इस्तेवाल किया गोल साहब ने हम लोगों के साथ गोयल साहब हम लोगों के साथ थे जाहिर है कि दीक्षित जी से उनके अच्छे मरासिम थे इसलिए उनको देखकर खुश हुए वो मुश्किल से दो घंटे के फेरों के वक्त में वो साथ बैठे कन्यादान की रस्म अदा की कांता से मिले और फिर वापस चले गए सुबह बारात रुखसत हो गई लड़का बहुत शरीफ और बेहद ताबून करने वाला मिला हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हमने जयप्रकाश गोयल साहब और धर्मशाला के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने शर्मिंदगी के साथ माजरत की और कहा कि ये एक तारीख आपने रच दी सारी ज़िंदगी हम लोग याद रखेंगे कांता भी बेहद खुश थी कि तीसरे दिन उनका तीसरे दिन कांता अपने शोहर के साथ वापस आई और हमेशा नजर अब्बास के साथ वो हमेशा नजर अब्बास के साथ रहती थी इस बार भी वहीं ठहरी शमीम ने अपने यहाँ सबकी दावत की और बहुत नवीस नफीस वेजिटेरियन खाने पकाए हम लोगों को भी बहुत खुशी थी शायद ही बीए के साथियों के साथ किसी का ऐसा रिश्ता रहा हो कांता और उनके शोहर बराबर दिल्ली आते थे और मुलाकात होती थी कांता का एक बेटा हुआ सबको बहुत खुशी हुई अब अब इसके आगे बस ठीक है अख्तामी कलम सर हाँ मैं सुन रहा हूँ हाँ, क्या करना चाहिए बस आखिरी कलमात कुछ अपनी तरफ से हाँ। इसको इसको जरा से कहीं पे आप काट के इसको दुरुस्त करके आप वो कर लीजिएगा ठीक है ना जी जी <laughs> <laughs> खुन हजरात और इस प्रोग्राम के तमाम मुंतजमी डॉक्टर फिरोज़ आलम मैं हिचकिचा रहा था कि मैं किस तरह से इसे पढ़ सकूँगा जो भी इधर उधर से जिन हिस्सों को मैं निकाल सका वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए पाँच सौ 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 सफ़ात की किताब में से कुछ मख्तसर करके पढ़ना भी एक दुश्वार काम है मैं आपके सेंटर का यूनिवर्सिटी का और तमाम लोगों का वो तम, वो तमाम लोग जो इसकी टेक्निक और इसके रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ रहे और अपना वक्त दिया उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मानो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं हसन साहब जो मेरे साथी रहे हैं है? जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है? उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इंतज़ाम कर रखा है मैं तमाम उन देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इतनी देर हमारे साथ रहे मैं इस शरफ़ और इस एजाज के लिए सबका ममनून हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से इंस्ट्रक्ल मीडिया सेंटर की जानब से और अपनी जानब से मैं आपका बेहद शुक्रगुजार गुज़ार हूँ अपनी टीम की जानब से आपका बेहद ममनून हूँ सर लेकिन आपने अपनी खुदनवाशत न इब्तदा की खबर है न इतहा मालूम से कई अहम हिस्से हमारे नाजरन के लिए पेश किए और ये बेहद दिलचस्प हिस्से हैं और इनसे न सिर्फ रुदौली की रुदौली और लखनऊ की तहजीब सकाफत को समझने में मदद मिलती है बल्कि आपकी ज़िंदगी के जो नुमाया पहलू हैं आपकी शख्सियत के जो अहम गोशे हैं उनसे भी वाकफियत हासिल होती है और ख़ास तौर से जो अब्दुल कादिर सरवरी साहब और एहत हुसैन साहब का जिस मोहब्बत से आपने ज़िक्र किया या नूरी होटल के मालिक आ, मुन्ने मियाँ का जिस तरह से आपने जिक्र किया वो आप ही कर सकते थे और जाहिर है कि ऐसे लोग अब दुनिया में खाल खाल हैं जो दूसरों के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी मरबत का बर्ताव करते हैं आपने बिल्कुल बजा कहा कि अगर मुन्ने मियाँ ने उस वक्त आपकी मदद न की होती तो पता नहीं आप जिंदगी में किस मोड़ पर कहाँ होते बहरहाल हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए अपना कीमती वक्त दिया इसके साथ साथ मैं अपने मीडिया सेंटर के साथियों का ख़ास से इस प्रोग्राम के मुंतजमी हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर से डॉक्टर मीर हशमत अली साहब का मंजूर साहब का वेहान साहब का आप तमाम का शुक्रिया और हमारे मानू लखनऊ कैंपस के शोब उर्दू के रिसर्च स्कॉलर अजीज़ी मूसी रज़ा का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोफेसर शारवी साहब के साथ कोऑर्डिनेट किया और आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपकी मदद से ये रिकॉर्डिंग हो पाई है हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं नाजरीन उर्दू नामा के अगले प्रोग्राम में फिर किसी और अहम शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज